1939 से 1945 तक ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल वॉर लड़ी गई, द वर्ल्ड वॉर टू। इस वॉर में कुछ 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसने पूरे वर्ल्ड को दो अलायंसेस में स्प्लिट कर दिया। एक थी एक्सिस पावर्स, जिनकी लीडिंग कंट्रीज थी जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी थी अलाइड पावर्स, जिनकी लीडिंग कंट्रीज थी ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस। कहने को तो ये वॉर इन दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में लड़ी गई, लेकिन असली वॉर तो कहीं और ही चल रही थी। 5, 4, 3, 2, 1 ये वॉर थी दो साइंटिस्ट के बीच, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर और वर्नर हाइजेनबर्ग, जो एक ऐसा वेपन बनाने की रेस में लगे हुए थे विच वॉज नॉट ओनली गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू बट ऑल्सो गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। द वेपन, एन एटॉमिक बॉम्ब। A chain reaction. Create one with uranium and you've got an instrument of unimaginable power. Heisenberg is working on the atomic bomb for the Nazis. Diese Jahre für dich eingesetzt habe! They are unleashing the strong force. Before the Nazis do. 3, 2, 1, fire! Now I am become death, the destroyer of worlds. Hi guys, I am Inder Kapoor और आज के एपिसोड में we'll talk about a titanic battle between two scientists and the ultimate race to build the world's first ever nuclear bomb. World War I हारने के बाद जर्मनी एक बहुत बुरी कंडीशन में थी। इस वॉर की बॉम्बिंग्स और अटैक्स में millions of Germans की डेथ हुई और जो बच गए उन्हें हाइपर इन्फ्लेशन, डेट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स ने इंगल्फ कर लिया। दिस वॉर डीपली इम्पैक्टेड द सिविलियंस ऑफ जर्मनी एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट इम्पैक्टेड वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मनी के एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे, जो फिजिक्स की एक बहुत ही नई और कॉम्प्लेक्स फील्ड में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे। द फील्ड वॉज क्वांटम मैकेनिक्स, द साइंस ऑफ एटम्स। हाइजेनबर्ग सिर्फ 16 ईयर्स के थे जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन हारी और उसके कॉन्सिक्वेंट ईयर्स में उन्होंने अपनी कंट्री को सफर करते हुए देखा। तब से वो साइंस के थ्रू जर्मनी को हेल्प करना चाहते थे और उसे एक सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते थे। 1932 में एट द एज ऑफ 31 हाइजेनबर्ग को अपनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग थियरी द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, जिसने उन्हें वर्ल्ड का एक रिनाउंड साइंटिस्ट बना दिया। लेकिन वो अभी भी अपने ट्रू पेट्रियोटिक मूवमेंट का वेट कर रहे थे और ये वेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला था। इन 1933 अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी रोज टू पावर इन जर्मनी, द नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे आज पूरा वर्ल्ड द नाजी पार्टी के नाम से जानता है, और उसका लीडर था एडोल्फ हिटलर। फ्रॉम दिस मोमेंट इन हिस्ट्री द वर्ल्ड वुड विटनेस हिटलर एंड हिज नाजी रेजिम। While this was going on in Germany, some 5,000 miles away, America में एक young physicist थे जो quantum physics के लिए उतने ही passionate थे जितने की Heisenberg. In fact, this young physicist was deeply inspired by Heisenberg and his contribution to this field. His name, Robert J. Oppenheimer. अपने childhood से ही Oppenheimer एक extraordinary student रहे थे जिन्होंने physics सिर्फ 10 years की age से पढ़नी start कर दी थी और 23 की age तक अपनी PhD भी कंप्लीट कर ली। नॉट ओनली दिस, ओपेनहाइमर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लैंग्वेजेस और वो कुछ 8 लैंग्वेजेस जानते थे, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, डच एंड इवन संस्कृत। उनके इंजीनियस ट्रेट्स को सिर्फ उनके आसपास के लोग ही नहीं बल्कि वो खुद भी रिकॉग्नाइज करते थे, इसीलिए वो अपने पोटेंशियल को यूज करके कुछ क्रिएट करना चाहते थे और उनकी इस क्रिएशन तक उन्हें लेके जाने वाली थी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड अ डिजायर टू लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड, यही दो चीजें इन दोनों ओपेनहाइमर और हाइजेनबर्ग में कॉमन थी। और 1938 में इस फील्ड में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने इन दोनों की लाइफ्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक्स। द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज मेड फ्रॉम एटम्स, मतलब आज अर्थ पे जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो सब एटम्स से बने हैं। अब इस मैग्नीफाइड वर्जन को देखो, एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से 2 पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके कोर न्यूक्लियस में होते हैं और तीसरा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है।
क्वांटम मैकेनिक्स की एक थ्योरी ये कहती है कि अगर एक एटम के न्यूक्लियस को किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से स्प्लिट कर दिया जाए तो वो एटम दो स्मॉलर एटम्स में स्प्लिट हो जाएगा। दिस वॉज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन और इस फिशन के थ्रू एक एनर्जी रिलीज होगी विच वुड बी कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन सिर्फ कुछ टाइप्स ऑफ एटम्स में ही न्यूक्लियर फिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। इस थ्योरी के बहुत सालों बाद भी कोई भी साइंटिस्ट वो एटम नहीं डिस्कवर कर पाया जिसमें सक्सेसफुली न्यूक्लियर फिशन हो पाए। लेकिन 1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट ने फाइनली उस एटम को डिस्कवर किया, यूरेनियम 235। बेसिकली उन्होंने यूरेनियम 235 के एटम को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जिससे वो रफली दो इक्वल साइज के एटम्स में स्प्लिट हो गया। इस प्रोसेस में कुछ न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हुई और साथ में कुछ एडिशनल न्यूट्रॉन्स। जहां पूरे वर्ल्ड के लिए इस डिस्कवरी का ये मतलब था कि न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड के लिए एक नया सोर्स ऑफ पावर बनेगा, सिर्फ ओपेनहाइमर और हाइजेनबर्ग ही इसके रियल पोटेंशियल को जानते थे। व्हाट दे न्यू वाज कि जब एक यूरेनियम 235 एटम को स्प्लिट किया जाता है तो बहुत थोड़ी सी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर मिलियंस या बिलियंस ऑफ एटम्स को एक साथ स्प्लिट कर दिया जाए तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इट कैन पॉसिबली डिस्ट्रॉय एन एंटायर सिटी और ऐसे बनेगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब। द क्वेश्चन वॉज कि क्या इतने सारे एटम्स को एक ही टाइम पे स्प्लिट किया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर इन दोनों साइंटिस्ट को ढूंढना था। मीनवाइल जर्मनी में हिटलर का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था। अपनी ब्रूटल नाजी पॉलिसी से हिटलर ने जर्मनी को एक टोटल डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर लिया था और इसी वजह से बहुत सारे सिविलियंस इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। लेकिन हाइजेनबर्ग नेवर लेफ्ट हिज कंट्री। ही न्यू दैट वेरी सून जर्मनी वुड नीड हिम। ऑन 1st of September 1939 एज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान टू कॉन्कर यूरोप हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया। इस इन्वेजन के रिस्पांस में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी और यहां से शुरू हुई द ऑफिशियल वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने के बाद जर्मनी बिगैन गियरिंग अप। दे वांटेड देयर बेस्ट आर्मी मेन, मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्म्स, एमिनिशंस। और इसी बीच कुछ जर्मन ऑफिशियल्स हाइजेनबर्ग से मिले। जब हाइजेनबर्ग ने उन्हें एक न्यूक्लियर बॉम्ब के पोटेंशियल के बारे में बताया तो दी ऑफिशियल्स ऑर्डर्ड हाइजेनबर्ग टू क्रिएट अ टीम एंड गेट स्टार्टेड विद हिज रिसर्च इमीडिएटली। एंड सो इन 1939 फाइनली हाइजेनबर्ग को अपना पेट्रियोटिक मूवमेंट मिल ही गया। अगर वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में सक्सेसफुल हुए तो जर्मनी वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएगी। बैक इन अमेरिका ओपेनहाइमर अपनी इंडिविजुअल रिसर्च तो कर रहे थे लेकिन अभी तक अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं किया था। बट फिर एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर मिला। वो लेटर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भेजा था। इट सेड दैट आइंस्टाइन को अपने कुछ जर्मन कनेक्शन से ये पता चला है कि जर्मनी एक सुपर वेपन डेवलप करने वाली है और वो इतना डेंजरस है कि अगर वो हिटलर को मिल गया तो वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ये लेटर पढ़कर अलर्ट हो गए। ऑल्दो अभी तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट नहीं था लेकिन फिर भी रोजवेल्ट ने इस टॉपिक की रिसर्च के लिए एक इनफॉर्मल यूरेनियम कमेटी सेटअप करी। फॉर टू इयर्स द रिसर्च प्रोग्रेस वॉज स्लो इन अमेरिका बट इन 1941 थिंग्स चेंज्ड। ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान यूएस के एक नेवल बेस पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज मिलिट्री अटैक एग्जीक्यूट करता है एंड दिस अटैक मार्क्स द एंट्री ऑफ अमेरिका in World War II. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. President Roosevelt ये जानते थे कि अब अमेरिका को भी एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट की जरूरत थी एंड दैट इज व्हाई उन्होंने एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मिलिट्री डायरेक्टर लेस्ली ग्रोव्स को बनाया गया जिन्हें साइंटिस्ट को रिक्रूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन उससे पहले ग्रोव्स नीडेड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब और ये आर्किटेक्ट बने रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, द ऑफिशियल लीडर ऑफ अमेरिकाज नेशनल प्रोजेक्ट टू मेक द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। अगले कुछ ही मंथ्स में वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए, इंक्लूडिंग ऑल दोज नोबल लॉरिएट्स जो जर्मनी से अमेरिका माइग्रेट कर गए थे। इनफैक्ट एट इट्स पीक अराउंड 130,000 वर्कर्स इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अ बल्क ऑफ विच वर वर्किंग इन द सीक्रेट सिटी जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, लॉस एलमोस इन न्यू मैक्सिको। इस प्रोजेक्ट के एंड तक अमेरिका कुछ $2.2 बिलियन का एक्सपेंस कर चुका था।
अमाउंट दैट वुड बी वर्थ अराउंड $24 billion टुडे। अमेरिका जानता था कि जर्मनी उनसे ऑलरेडी 2 साल आगे था एंड सो दे हैड टू हरी अप। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन 2 सालों में जितनी रिसर्च हाइजनबर्ग ने अपनी टीम के साथ की उससे कहीं ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका ने सिर्फ 6 months में ही कर लिए। द रीजन वॉज ओपेनहाइमर, यस, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन था जर्मनी के वो ब्रिलियंट माइग्रेटेड साइंटिस्ट जिनमें से एक थे एनरिको फर्मी। अब हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियर फिजन में जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 में बॉम्बार्ड किया जाता है तो उस फिजन से एक न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है और जितने ज्यादा एटम्स एक ही टाइम पे स्प्लिट किए जाएंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी इस प्रोसेस से रिलीज होगी। बट द क्वेश्चन वॉज हाउ टू स्प्लिट मल्टीपल एटम्स एट द सेम टाइम। इसी का आंसर एनरिको फर्मी ने दिया। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियर फिजन में सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि कुछ एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं और अगर हम बहुत सारे यूरेनियम 235 एटम्स को एक साथ प्लेस कर दें तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली बाकी एटम से बॉम्बार्ड कर जाएंगे। स्लोली दिस वुड बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन एंड दिस इज हाउ द एनर्जी रिलीज्ड विल मल्टीप्लाई। ऑन 2 डिसंबर 1942 एनरिको फर्मी वो पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने इस चेन रिएक्शन को यूज करके एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया थ्रू विच ही जनरेटेड हाफ अ वॉट ऑफ पावर एंड लिट अप अबल। और थोड़े ही टाइम बाद जर्मनी में हाइजनबर्ग ने भी एक सस्टेनेबल चेन रिएक्शन क्रिएट कर लिया था। नाउ बोथ ओपेनहाइमर एंड हाइजनबर्ग न्यू कि अगर इस चेन रिएक्शन से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकता है तो इसी से एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। दी ओनली डिफरेंस वुड बी कि जहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अ स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स आर यूज्ड व्हिच लीड टू अ स्टेबल न्यूक्लियर रिएक्शन, वहीं न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हमें बहुत सारी क्वांटिटी में यूरेनियम 235 की रिक्वायरमेंट होगी जिससे ये चेन रिएक्शन एक अनकंट्रोलेबल लेवल पर हो सके। सो मच सो दैट द एनर्जी इट विल रिलीज could explode an entire city। और इस amount of uranium को जो कि एक nuclear bomb बनाने के लिए चाहिए था उसे critical mass कहा जाता है। इसी critical mass की calculation करना अब ओपेनहाइमर और हाइजनबर्ग का नेक्स्ट स्टेप था। इंटरेस्टिंगली इन दोनों की कैलकुलेशंस में बहुत ही मैसिव डिफरेंसेस आए। जहां ओपेनहाइमर के अकॉर्डिंग एक वर्केबल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सिर्फ 52 केजीज ऑफ यूरेनियम 235 की रिक्वायरमेंट थी, वहीं हाइजनबर्ग के एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग दिस नंबर केम आउट टू बी रफली अ टन, दैट इज अबाउट 1000 केजीज ऑफ यूरेनियम 235। यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनकी कैलकुलेशंस में इतना डिफरेंस आया क्यों, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इस डिफरेंस का मतलब क्या था। एक्चुअली एक नेचुरली अकरिंग यूरेनियम ओर में 2 isotopes होते हैं, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235, लेकिन इनका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता। इस यूरेनियम ओर में सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है और बाकी 99.3% होता है यूरेनियम 238। और क्योंकि न्यूक्लियर फिजन सिर्फ यूरेनियम 235 में ही हो सकता है इसीलिए इस आइसोटोप को यूरेनियम ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इतने कम प्रोपोर्शन में होने की वजह से ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ना ही सिर्फ बहुत एक्सपेंसिव होता है बल्कि उससे कहीं ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। फॉर अमेरिकन्स एंड ओपेनहाइमर एक्सपेंस इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि टाइम दोनों ही कंट्रीज और साइंटिस्ट के पास लिमिटेड था। आफ्टर ऑल वर्ल्ड में एक वॉर चल रही थी। लेकिन फिर भी ओपेनहाइमर को पता था कि वो इतना यूरेनियम 235 तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जितना एक बॉम्ब के लिए नेसेसरी था, बट सिंस वन बॉम्ब वॉज नॉट इनफ ओपेनहाइमर अपनी टीम के साथ यूरेनियम 235 का एक अल्टरनेटिव ढूंढने लगे। कुछ ही टाइम में उन्हें ये अल्टरनेट एलिमेंट मिला, प्लूटोनियम। ये सारी प्रॉब्लम्स फिगर आउट करने के बाद अमेरिका के लिए अब बस एक ही काम बचा था, इन बॉम्ब्स को प्रैक्टिकली डेवलप करना। दूसरी साइड हाइजनबर्ग हैड रीच्ड अ डेडलॉक। उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना यूरेनियम 235 उन्हें चाहिए था वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना ही उनके पास उतने रिसोर्सेज थे और ना टाइम। एंड माइंड यू जर्मनी और अमेरिका दोनों के प्रोजेक्ट सीक्रेट थे तो अमेरिका की कोई भी प्रोग्रेस जर्मनी तक नहीं पहुंचती थी। इस वजह से हाइजनबर्ग को कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि शायद उनकी ये कैलकुलेशंस गलत है। उन्हें लगा कि अगर जर्मनी ये बॉम्ब नहीं बना पाई तो अमेरिका भी नहीं बना पाएगा। बट गेस व्हाट, ही वाज हाईली मिस्टेकन। By the early 1945, Nazi Germany almost हर फ्रंट से हार रहा था। Allied powers ने उनकी capital city Berlin को bomb करके उसे capture कर लिया था। और जिस project से Germany को hope थी, Heisenberg की miscalculations ने उस hope को भी kill कर दिया था।
अब हिटलर जानता था कि जर्मनी का जीतना इम्पॉसिबल है, एंड सो ऑन 30th अप्रैल 1945 हिटलर कमिटेड सुसाइड। उसके कुछ ही दिन बाद ऑन 3rd में एलाइड पावर्स ने हाइजेनबर्ग और उनकी टीम ऑफ साइंटिस्ट को कैप्चर कर लिया और फाइनली 7th मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी हैड फाइनली क्विट द वर्ल्ड वॉर 2 एंड ऑल्सो द रेस टू बिल्ड द एटॉमिक बॉम्ब। मीनवाइल बैक इन अमेरिका ओपेनहाइमर अपने बॉम्ब्स के साथ रेडी थे। उनकी टीम ने टोटल 3 एटॉमिक बॉम्ब्स डेवलप किए। एक था लिटिल बॉय द यूरेनियम मेड बॉम्ब और बाकी दो थे प्लूटोनियम बॉम्ब्स फैट मैन और गैजेट। और क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया गया था, इसीलिए इनमें से एक बॉम्ब ओपेनहाइमर टेस्ट करना चाहते थे, द प्लूटोनियम बॉम्ब गैजेट। On 16 July 1945 at 5:29 AM, गैजेट को न्यू मेक्सिको के एक बैरन डेजर्ट में डेटोनेट किया गया। इस ब्लास्ट को देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता के ये वर्ड्स निकले। Now I am become death, the destroyer of worlds. इस एक्सप्लोजन से जो हीट रिलीज हुई, that was around 10,000 times hotter than the surface of sun. इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर तक फील किया गया और इसका मशरूम क्लाउड अराउंड 12 किलोमीटर की हाइट तक राइज किया। इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने वाले सारे साइंटिस्ट ये जानते थे that the world will never be the same again. सिर्फ कुछ ही दिन में पूरी वर्ल्ड इन वेपन्स की पावर को विटनेस करने वाली थी, एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर दैट दे हैड नेवर सीन बिफोर। जर्मनी के सरेंडर करने के बाद अब वर्ल्ड वॉर 2 की एक्सेस पावर्स में सिर्फ जापान ही बची थी, एंड दिस इज व्हाई ऑन 6th ऑफ अगस्त 1945 लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 140,000 जापानीज पीपल डाइड, जिसमें से मेजॉरिटी इंस्टेंटली वेपराइज्ड। और जब इस ब्लास्ट के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो 3 दिन बाद द प्लूटोनियम बॉम्ब फैट मैन वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी, किलिंग एन एडिशनल 74,000 पीपल। इस एट्रोशियस इवेंट के 6 डेज बाद जापान ने फाइनली सरेंडर किया एंड द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड। उस दिन पूरे अमेरिका ने सेलिब्रेट किया, और जिस साइंटिस्ट की वजह से ये सेलिब्रेशन पॉसिबल हो पाई, दैट इज ओपेनहाइमर को द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब का टाइटल दिया। ओपेनहाइमर अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इन द ट्रूएस्ट सेंस ही हैड लेफ्ट अ मार्क ऑन द वर्ल्ड। लेकिन डीप डाउन ओपेनहाइमर वाज नॉट हैप्पी। हिरोशिमा नागासाकी इंसिडेंट में हुई डिस्ट्रक्शन उन्हें हॉन्ट करने लगी, एंड ही कंटिन्यू टू रिमेन इन गिल्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर दिस एपिसोड आई रेफर टू द बुक Chasing Heisenberg by Michael Josloff. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.